हेलो, पहचाना? मैं आपका कोरोना वायरस। आना पड़ा इंसान का रूप लेके, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना फेमस कर दिया इतने कम दिनों में। तो थैंक यू तो बोलना बनता है ना, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा है कि तुम्हारा नाम ऐसा क्यों दिया गया है। वायरस की गरीबों वाली फैमिली में मैंने पैदा किया। मेरे पापा श्री इबोला, माता श्री श्रीमती स्वाइन फ्लू। अब उनके नाम को रोशन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। डिग्री किया है मैंने हॉगवर्ड यूनिवर्सिटी से, 15 लाख का। वायरसोलॉजी में डिग्री किया है मैंने। अब डिग्री ख़त्म हो गया, घर पे पड़ा था, काम धाम कुछ नहीं कर रहा था। तो घर वाले आके डेली चिल्लाते थे मुझे कि कुछ कर कुछ कर कुछ कर, राहुल गांधी मत बन, मोदी जी जैसा बन, दुनिया भर में घूम। दिल पे लगी बात, दिल पे लगी। सुबह डेली सुनता रहता था कि कुछ कर कुछ कर कुछ करो ना, कुछ करो ना। बस उसके बाद नाम भी मेरा डाल दिया गया कोरोना। मेरे सारे दोस्त भी कमीने थे, उनको भी मैं पसंद नहीं था। जिनके पास भी जाऊं, ए तू यहां मत आ, वहां जा वहां जा वहां जा, जिसके पास भी जाऊं वहां जा। चला गया मैं वुहान चाइना। उसके बाद क्या हुआ आपको तो पता होगा। वैसे मेरी एक खुन्नस थी कि मैं राहुल गांधी जी से मिलना चाहता था, क्योंकि घर वाले हमें अक्सर उसी के नाम से चिढ़ाते हैं कि राहुल गांधी मत बन। मैंने मोदी जी को फ़ोन लगाया, मोदी जी राहुल गांधी कहाँ मिलेंगे बताएंगे ज़रा। तो मोदी जी ने कहा राहुल गांधी अक्सर अपने नाना नानी के घर रहते हैं इटली में। चला गया मैं इटली, घर घर घुसा, एक घर भी नहीं छोड़ा, पर राहुल गांधी नहीं मिले। तो एक आखिरी उम्मीद लेके मैं इंडिया आया हूँ, और इंडिया आके जो मैंने देखा, आप लोगों ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रखे हो इधर। ऐसा लग रहा है मैं वायरस नहीं कोई जोकर हूं। 15 लाख का डिग्री करके क्या मिला? यहां आप इंडियंस गो कोरोना गो बोल के मुझे भगाना चाहते हो। एक बंदा तो और 2 कदम आगे गया, पूरे बॉडी में गोबर लगा के बोल रहा है कोरोना नहीं होगा इससे। भाई मेरी कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट है कि नहीं? तुम लोग ने बहुत मजाक बना के रख दिया, इतने सारे देश में गया, बट मेरी इज्जत की धज्जियां इंडिया में जितनी उड़ी है ना, कहीं नहीं उड़ी। मुझे आप लोगों ने मीम मेटेरियल बना के रख दिया। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोलते कि तू इतना जानलेवा है नहीं, बट तेरा हवा इतना मार्केट में बना है, तू फालतू का फुटेज ले रहा है। आप लोगों ने इतना हवा बना दिया है मेरा कि कुछ लोग तो मेरे नाम से रोटियां सेक रहे हैं। जो इंडियंस हेलमेट नहीं खरीदते, पहनते नहीं हैं, इवन रोड एक्सीडेंट्स में डेली हजारों लोग मरते हैं, फिर भी वो भी मास्क खरीद रहे हैं। इतना खौफ का माहौल आपने बना दिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पास ना आऊँ, तो मैं खुद बताता हूँ आपको क्या करना है। मेरे ऐसे मजाक बनाया मत करो। 400 से 500 माइक्रोन साइज है मेरा, तो मैं किसी किसी भी छोटे मोटे फिल्टर से मैं अटक जाता हूँ, अंदर नहीं जाता। इवन आपका हैंडकरचिप भी है ना, तो वो भी आप अपने मुंह पे लगाओगे तो मैं अंदर नहीं जाने वाला। अगर मैं किसी के बॉडी में घुसा और वो बंदा बीमार हुआ, तो वो अगर छींकता भी है तो 4-5 फुट के अंदर ही मैं गिर जाता हूँ, इतना भारी हूँ मैं। तो आप अपना ख्याल रखो कि नीचे गिरे हुए किसी चीज़ को अगर हाथ लगा रहे हो, या फिर किसी टेबल बेंच कहीं पे भी अगर टच करते हो, तो उसके बाद सैनिटाइजर से हाथ धो लेना। जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर है, या फिर वो पहले से ही बीमार है, जैसे कि बच्चे बूढ़े, उनको मैं ज़्यादा अटैक करता हूँ। आपका अगर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, तो आपको तो मैं आसानी से छोड़ देता हूँ। प्लीज़ मेरे नाम का खौफ फैलाना बंद करें। अगर आप ऐसे प्रिकॉशंस लेंगे तो मैं आपके पास नहीं आने वाला वैसे भी। स्पेशली वे इंडियंस बहुत बुरे हो आप लोग। लगता है इंडिया वाले आ गए, मुझे जाना पड़ेगा।